गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली कंट्रोवर्सीज की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं है। तो इसलिए आप अपने निरंतर प्रयास करते दौरान अपने हर छोटी छोटी परेशानियों से लड़ते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। अगर आपका लक्ष्य 100% होगा तो निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने वीकली कंट्रोवर्सीज की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको सारे PDF प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 25 फरवरी 2024 से 2 मार्च 2024 के सारे वीकली करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा लॉन्च किया है? तो राइट आंसर का यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा, जो एक साल में लगभग 180 दिन से ज्यादा वहां पे स्टे नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आपको वीजा तुरंत इजी प्रोवाइड हो जाएगा, एज अ एजुकेशन के रूप में चाहे टूरिस्ट के फॉर्म में। तो टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात के सरकार के द्वारा इंडियन को ये फायदा दिया गया है कि आप लोग 5 साल में मल्टीपल एंट्री वीजा को ले सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया? तो राइट आंसर का मैन ब्लोइंग तुरहा अपॉइंट किया गया है, इलेक्टेड किया गया है एज अ इलेक्शन सिंबल के द्वारा दिया गया, अलॉटेड टू किसको? शरद चंद्र पवार को। ये एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, इनको हाल ही में मैन ब्लोइंग तुरहा साइंबल दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे भारत में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, जो प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलेंगे, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव का आयोजन करवाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा साइंबल को भी डिक्लेयर किया जाता है। तो हाल ही में मैन ब्लोइंग तुरहा को डिक्लेयर किया गया है, अलॉटेड दिया गया है किसको? तो शरद चंद्र पवार को, जिनका नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर का जवान मूवी को मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड अंडर दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 के तहत जवान मूवी को, जो शाहरुख खान की मूवी है, इसमें लीडिंग एक्टर के रूप में शाहरुख खान वर्क किए हैं, तो इन्हीं की मूवी जवान को बेस्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित की गई है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण को कहां शुरू किया गया है? तो राइट आंसर का बेंगलुरु में आयोजन हुआ है सेकंड एडिशन ऑफ द विमेंस IPL लीग। इसका शुभारंभ किया गया बेंगलुरु में, जिसका सेकंड एडिशन चल रहा है WPL। जिस तरीके से IPL होता है मेंस का, उस तरीके से विमेन प्रीमियर लीग को स्टार्ट किया गया है, जिसका सेकंड एडिशन कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर का मालदीव। इंडिया और मालदीव और श्रीलंका के बीच में आयोजन होने वाली 16th एडिशन ऑफ द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, जिसका एक्सरसाइज का नाम रखा गया है दोस्ती, ये दोस्ती एक्सरसाइज मालदीव, इंडिया और श्रीलंका के बीच कंडक्ट करवाई जाती है, जिसमें इस बार जो 16th एडिशन होने वाली है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती की, इसका आयोजन मालदीव में किया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि 16th एडिशन ऑफ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती का शुभ आरंभ कहाँ किया गया था? तो मालदीव में इसका शुभ आरंभ किया गया था, मालदीव में इसका एडिशन को स्टार्ट किया गया था। ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, 2-3 कंट्री के बीच में होती है, मैंने आपको बताया इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है दोस्ती। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी को कहाँ शुरू की गई है? तो राइट आंसर का महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आयोजन हुआ इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट एग्जीबिशन को लगाया गया। तो जानते हैं कि एग्जीबिशन क्या है? तो एग्जीबिशन वर्ड का मतलब होता है कि वो सारे इक्विपमेंट्स को एक प्रदर्शन के रूप में, मेला के रूप में दिखाया जाता है कि इंडिया के पास कितनी कैपेबिलिटी है। तो इंडिया के पास लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट को कहाँ पे शो किया गया है? तो एज ए एग्जीबिशन के रूप में, तो महाराष्ट्र स्टेट में इसका आयोजन किया गया था, इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट एग्जीबिशन को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में अट्टुक्कल पोंगल उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर केरला। केरला में शुरू की गई अट्टुक्कल पोंगल फेस्टिवल, आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा स्टैटिक जीके के माध्यम से कि अट्टुक्कल पोंगल फेस्टिवल किस स्टेट की फेस्टिवल है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला की ये फेस्टिवल है जो अट्टुक्कल पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ शुरू होगी? तो राइट आंसर होगा स्पेन। स्पेन में आयोजन किया गया मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का। इसमें जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, जितने भी स्मार्टफोन्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सामान हैं, तो इनका एग्जीबिशन के रूप में प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 के दौरान स्पेन में इसका आयोजन किया गया और इसमें बहुत सारे कंपनी भाग लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ को कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर होगा IIM शिलोंग। IIM शिलोंग में पहली, इंडिया की फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च सेंटर का स्थापना किया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, तो जानते हैं SECI ने हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आयोजन किया गया SECI के द्वारा, जिन्होंने हाल ही में अनवील किया कि इंडिया का लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट होगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में एक सोलर पैनल को बिछाया गया। उसके तहत इंडिया का ये सबसे लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट होगा। इसके तहत जितने भी सोलर एनर्जी होंगे उनको एज अ बैटरी के रूप में कंज्यूम करके रखा जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड की जाएगी और ग्रीन एनर्जी के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जानते हैं SECI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, SECI का फुल फॉर्म सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI का फुल फॉर्म है, जो हाल ही में इंडिया का लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में लगाई गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, हाल ही में स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर का हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया सवेरा प्रोग्राम, जो अर्ली डिटेक्शन करेगा ब्रेस्ट कैंसर। जिस महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का ज्यादा देखा जा रहा है, तो उन्हीं को रोकने के लिए सवेरा प्रोग्राम हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, जिससे वो सारी महिला जो पीड़ित है ब्रेस्ट कैंसर से, तो उनको बचाया जाएगा इस माध्यम से, इस प्रोग्राम के तहत। और अर्ली डिटेक्शन, उस कैंसर से होने वाली पहली डिटेक्शन को ही सवेरा प्रोग्राम के तहत पता कर ली जाएगी और उनसे उन्हें बचा लिया जाएगा। तो ये था हरियाणा गवर्नमेंट के एम, उद्देश्य जिसके लिए उन्होंने सवेरा प्रोग्राम को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट, जिसका नाम रखा गया होमोशेप एटम, किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया एक पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट, जिसका नाम रखा गया होमोशेप एटम। ये एक ऐसा क्लीनिंग रोबोट है जो उन सारे लोगों की मदद करेगा जो मैनमेड, यानी कि आदमी खुद के तरह से सफाई कर्मचारियों को मदद करने के लिए पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट के रूप में होमोशेप एटम को लॉन्च करने वाला IIT मद्रास बना है। इसके दौरान क्या होगा कि वो सारे व्यक्ति जो मैनमेड तरीके से कचरा को साफ करते थे, उससे हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस निकलती थी जो उनके जानलेवा बहुत ही घातक हुआ करती थी, उसी को बचाव करने के लिए IIT मद्रास के द्वारा पहला कदम उठाया गया कि इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक बनाया जाएगा जो पूरी तरीके से रोबोटिक होगी। इसका नाम रखा गया होमोशेप एटम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो राइट आंसर होगा 1 करोड़ 25 लाख। 1 करोड़ 25 लाख को जारी किया गया है फॉर द बजट ऑफ, किस बजट के लिए? तो दुनिया का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम के तहत 1 करोड़ 25 लाख का आयोजन किया गया, इसका आवंटित की गई कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम को लगाया जाएगा, जिसकी कुल लागत होगी 1 करोड़ 25 लाख। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, देश का पहला वर्चुअल ATM कौन लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर होगा पेमार्ट। पेमार्ट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा कंट्री का पहला वर्चुअल ATM। इस वर्चुअल ATM का मतलब क्या है? तो इस वर्चुअल ATM का मतलब है कि हम लोग अपने मोबाइल के स्कैनर से, जिस तरीके से हम लोग बैंकिंग को यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो एज अ इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से हम लोग वर्चुअल ATM के माध्यम से हम लोग बिना ATM का ही हम लोग पैसा निकाल सकते हैं, जो एक कार्डलेस स्कीम के रूप में सामने आई है। तो इस पहला वर्चुअल ATM को लॉन्च करने वाला पेमेंट बना है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, वह गेंदबाज कौन है जिसने हाल ही में घरेलू मैदान पर भारत के लिए टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने का इतिहास रच दिया है? तो राइट आंसर होगा रविंद्र चंद्र अश्विन जी के द्वारा मोस्ट विकेट लिया गया फॉर द इंडियन टेस्ट एट होम। इंडियन टेस्ट मैच आयोजित की गई होम ग्राउंड में और इसी के दौरान ये पहले गेंदबाज बने हैं जिन्होंने पूर्ण तरीके से सभी का रिकॉर्ड क्रॉस करके इतिहास को रच दिया है और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इंडियन क्रिकेटर बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर जाएगा गीता बात्रा।
तो गीता बात्रा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो फर्स्ट वुमेन बनी है फॉर द डेवलपिंग कंट्री की, पहली डायरेक्टर के रूप में जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक में जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है, उसी का डायरेक्टर के रूप में गीता बात्रा को नियुक्त किया गया है, जो कि एक पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली वुमेन भी है और साथ साथ डेवलपिंग कंट्री की, तो डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त हुई है, तो गीता बात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर का 42nd, 42nd पोजीशन मिला है इंडिया को एज अ ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, 55 कंट्री में इंडिया का पोजीशन क्या मिला है, तो 42nd पोजीशन मिला है, जो 2022 से लगातार इसी पोजीशन पे बना आया हुआ है। तो इस बार 2024 में भी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को जारी की गई, जिसमें हमारा इंडिया का रैंक कितना है, तो 42nd है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतरा किसने शुरू की है, तो राइट आंसर का रिलायंस ग्रुप, रिलायंस ग्रुप के द्वारा अनंत अंबानी जी, इनके द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय का पहला वनतरा स्कीम, वनतरा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा, इस वनतरा का मतलब है जिसमें एनिमल को सेव किया जाएगा, ऐसे जानवरों को जो पीड़ित है, जो बीमार है, जो घायल है, उनको संरक्षण देने के लिए वनतरा स्कीम को लॉन्च किया गया है रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा, जिसका हेड कौन है, अनंत अंबानी, अनंत अंबानी के द्वारा लॉन्च किया गया वनतरा स्कीम। इसके द्वारा क्या होगा कि उन सारे जानवरों को घरेलू रूप से उनको संरक्षण दी जाएगी, जो लगभग 3,000 एकड़ में फैली हुई है, और ये एक फॉरेस्ट का ही तरह ही डेवलपमेंट की ओर में आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसी के तहत ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि वनतरा इनिशिएटिव को कौन लॉन्च किया है, तो रिलायंस ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, हर वर्ष हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो राइट आंसर का 28 फरवरी, 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं। तो नेशनल साइंस डे के पीछे क्या रीजन है, तो सीवी रमन जी के रमन इफेक्ट को ही याद करने के लिए हम लोग हर वर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट को जारी किया था, और इसी रमन इफेक्ट के दौरान अब हम लोग हर वर्ष नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर का अजय मानिक राव, अजय मानिक राव को नियुक्त किया गया है द पोस्ट ऑफ लोकपाल ऑफ द कंट्री। ये लोकपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो स्वीडन से लिया गया है लोकपाल ऑफ द कंट्री का पद, जो हाल ही में अजय मानिक राव को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में आरबीआई ने किसे पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अंतिम मंजूरी दे दी है, तो राइट आंसर का अमेजन पे, अमेजन पे को देने वाला पहला फाइनल अप्रूवल एज अ पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई बना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अमेजन पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में लाइसेंस को मंजूरी दे दी, और इसी के साथ अमेजन पे बन चुका है पेमेंट एग्रीगेटर करने वाला ये कंपनी, जो आरबीआई के द्वारा इन्हें फाइनल अप्रूवल को दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या को कहाँ दर्ज की गई है, तो राइट आंसर का मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में देखा गया स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट्स को जारी की गई, और इसी रिपोर्ट के तहत देखा गया कि हाईएस्ट नंबर सबसे ज्यादा लेपर्ड्स को रिकॉर्ड करने वाला मध्य प्रदेश स्टेट है, जिसमें ज्यादा मात्रा में लेपर्ड्स की संख्या को देखी गई है। लेपर्ड्स का मतलब होता है तेंदुआ, तेंदुओं की संख्या को ज्यादातर से देखा गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, हाल ही में किसने डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, तो राइट आंसर का पेरू, पेरू। देखिए क्वेश्चंस में एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे कि 2024 में कौन से कंट्री है जिन्होंने हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया, तो राइट आंसर का पेरू। किस रीजन के दौरान हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर करना पड़ा, तो वाइड स्प्रेड ऑफ डेंगू, डेंगू का ज्यादा प्रचलन मात्रा में फैलने के वजह से इस पेरू के द्वारा हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है, जो भारी मात्रा में वहां पे डेंगू के वजह से तबाही मचाई जा रही है, जिसके वजह से वहां के लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ा, जिसमें 32 लोगों की मौत हो चुकी है, अब तक 3,000 केस उसमें देखे जा चुके हैं। तो पेरू एक ऐसा कंट्री बना है 2024 में जिन्होंने अपने कंट्री में हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर करने वाला पहला कंट्री 2024 में बना है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में वर्ष 2023 में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है, तो राइट आंसर का साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में देखा गया वर्ल्ड का लोएस्ट फर्टिलिटी रेट रिकॉर्डेड किया गया है 2023 के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट को जारी की, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि वर्ल्ड का लोएस्ट फर्टिलिटी रेट बनने वाला कौन सा कंट्री बना है, तो साउथ कोरिया देखा गया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के माध्यम से, दुनिया का विश्व की सबसे कम प्रजनन दर देखी गई कहाँ पे, तो साउथ कोरिया में। तो चलते हैं वीकली कंट्रोवर्सीज का क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से
नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुनील भारती मित्तल बने हैं चार्ल्स तृतीय के द्वारा। किंग चार्ल्स तृतीय कौन है? तो ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइटहुड की प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सुनील भारती मित्तल बने हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।